हसनगंज नंगे केस कांड ने अब एक नया मोड़ ले लिया। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आपने कभी नंगे व्यक्ति को देखा है? पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकता है? इतने बड़े भीड़ में कोई नंगा पुंगा आदमी ऐसे दौड़ेगा तो हम उसका पैर थोड़े ना पड़ेंगे, रोकना तो पड़ेगा ही ना। मिस्टर आदित्य समाज विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये अपने खातिर समाज के किन्हीं भी नियमों को तोड़ सकते हैं। जाने कब कैसे क्या करे नसीबा, ये खेल विधाता तू खेले अदीबा। पब्लिक प्लेस पर इस तरह की कोई भी हरकत करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही गलत है। आपने अपने फायदे के लिए धर्म की आड़ में ये गंदगी को फैलाने की कोशिश की है। तुमने हिंदुत्व की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और महान पर्व महाकुंभ स्नान होता है, जहां हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु स्नान करने आते हैं। क्या इससे हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता नष्ट नहीं होती? अगर आपको इतने ही पैसे और पब्लिसिटी की जरूरत थी तो खड़े हो जाते चौराहे पे नंगे और अपनी बीवी को भी खड़ा कर लेते। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, वो भी बिना कपड़े के नंगे। मृदंग बाजे जब किस्मत का सरगम बिखरे सब सब। जब किस्मत का मृदंग बजता है माय लॉर्ड, तो ये अंधविश्वास के ऊपर लंबे चौड़े भाषण देने वाले लोगों के हाथ की अंगुलियों में अंगूठी और गले में ताबीज नजर आने लगता है।